अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से आप खैरियत से होंगे। जनाब, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेके आया हूँ। उसका नाम है मज़ेदार किस्म का चटपटा सा मसालेदार सा लोबिया। जी हाँ, सफ़ेद लोबिया बनाएंगे हम। बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी है और इसको हम बहुत ही यूनिक तरीके से इसको हम बना रहे हैं। आपको पता है कि सफ़ेद लोबिया बच्चे बूढ़े घर वाले सब बहुत मज़े ले लेके खाते हैं, तो मैंने सोचा कि आज इसी को बनाया जाए और इसी की रेसिपी आपके लिए मैं लेके आया हूँ। मसालेदार लोबिया है, मसालेदार रेसिपी है, तो बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने, और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो फिर तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, आई होप सो। और मेरे तक आखिर तक रहिए मेरे साथ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं मसालेदार लोबिया की रेसिपी। जी व्यूअर्स, मसाला लोबिया के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ें चाहिए उनमें प्याज है बारीक चॉप किया हुआ, दो से तीन अदद टमाटर प्यूरी, इसको प्यूरी बना लिया मैंने, पेस्ट बना लिया इसका, और लोबिया है तकरीबन आधा किलो के करीब, इसे रात भर भिगो के लिए हमने रख लिया था। और मसाला जात में हमें चाहिए नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी, गर्म मसाला, खुश्क मेथी और खुश धनिया। इसके अलावा गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए हरा धनिया और हरी मिर्च, और कुकिंग ऑयल चाहिए हमें हसबे ज़रूरत। तो आइए चल के रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल ले लेते हैं, ऑयल तकरीबन 1.5 से 2 जो खाना बनाने का चम्मच होता है वो हम लेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने ये ऑयल ले लिया, गर्म करने के लिए रख दिया। अब इसमें हम शामिल करेंगे चॉप हुए प्याज, 2 से 3 अदद प्याज मैंने आपको बताया था वो हम लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे और इनको हमने अच्छे से ब्राउन करना है। प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, आप ये देख लीजिए तकरीबन 70% ये ब्राउन हो चुका है। बस थोड़ा सा और कलर इसमें आ जाए तो फिर हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। लोबिया के वैसे भी बहुत से फ़ायदे हैं हेल्थ वाइज भी, सफ़ेद लोबिया, इवन सुर्ख लोबिया भी। मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा नेक्स्ट रेसिपी में किसी दिन आने वाले दिनों में, उसके भी बहुत से फ़ायदे हैं। और एज़ फार एज़ वाइट लोबिया कंसर्न, इसके भी अपनी जगह पे बहुत। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, अब मैं शामिल करूँगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए, इसको भी 1 से 2 मिनट तक हम के अंदर थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसके साथ ही फिर हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। मैं आपके लिए लेके आता हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपीज, आसान सी रेसिपीज, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है इजी लाइफ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इजी किस्म की रेसिपीज आपके लेके आऊँ ताकि हर कोई बना सके। इसमें प्रोफेशनल कुकिंग भी शामिल है और आसानी से कुकिंग करना भी शामिल है, तो घर में आसानी से हर कोई बना सकता है। मेरी रेसिपीज़ को फॉलो कीजिए और मज़े के खाने इन्जॉय कीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। जनाब ये देखिए, बहुत ही अच्छा सा फ्राई हो चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है अदरक लहसुन की। अब इसमें हम शामिल करेंगे टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी के साथ ही हम ऐड करेंगे तमाम मसाला जात जो मैंने आपको बताए थे, नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, खुश्क धनिया और खुश्क मेथी, ये सब चीज़ें एक ही साथ इसमें जाएंगी। अभी अच्छा सा मसाला हम भून लेंगे, जब घी साइडों से किनारों से अलहदा हो जाएगा तो हम इसका भुनाई जो है वो स्टॉप कर देंगे और फिर लोबिया ऐड करेंगे। अभी हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए हम
अच्छा सा मसाला भून लेते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखिए मसाला भून चुका है, मसाले ने घी छोड़ दिया है साइडों से, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े की अरोमा आ रहा है इसमें से। अब मैं इसमें ऐड करूँगा लोबिया, जो कि हमने रात भर सोख करके रखा हुआ था, भिगो के रखा हुआ था, इसमें ऐड करेंगे अब। बहुत ही खूबसूरत कलर आया है इसमें, जबरदस्त। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना हमने, क्योंकि दाल ऑलरेडी हाफ कुक है और ये जल्दी ही गल जाएगी। दस से पंद्रह मिनट के लिए हम इसे हल्की आंच पे हम पकने के लिए रख देंगे। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं 15 मिनट के बाद। 15 मिनट हो चुके हैं, आइए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। वाह, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, देखें घी ऊपर आ चुका है, ऑयल जो हमने ऐड किया था, और दाल भी हमारी बहुत ज़बरदस्त गल चुकी है। कंसिस्टेंसी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त आई है। अब इसे हम डिश आउट करते हैं। अब बारी आती है डिश आउट करने की, तो इसे हम डोंगे में डाल लेते हैं और सर्व करेंगे इसको। बहुत ही ज़बरदस्त कलर कम्बिनेशन के साथ इसकी थोड़ी सी हम गार्निशिंग भी करेंगे हरी मिर्च और हरा धनिया के साथ। हरा धनिया गार्निश करेंगे इसके ऊपर। और ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च, जी जनाब, मजेदार मसाला लोबिया रेडी है। खुद भी खाइए, घर वालों को खिलाइए, मजे ले लेके खाइए, और मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई मज़ेदार सी रेसिपी आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।